नमस्कार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। मैं अभय रविंद्रनाथ कुमार। ठाकुर की कहानी गूंगी पड़ी होगी। गूंगी न बोल पाती थी न सुन पाती थी, सिर्फ आंखों से बात करती थी। लेकिन हमारी कहानी के पात्र गूंगी है, जो अपने उम्र के 16वें साल में बोल पड़ी। हमारी टीम को पता चला कि एक चिकित्सक जो आए हुए हैं, जो जन्म से बहरी और गूंगी लड़की को 3 दिन के इलाज में उसे बोलना सिखा दिया, सुनना सिखा दिया। तो मैंने सोचा क्यों न जाकर रियलिटी टेस्ट कर लिया जाए, तो हम उनके पास चलेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर पसंद आए तो लाइक करें, कोई सुझाव हो तो कॉमेंट करें। जो जन्म से गूंगी थी उस लड़की से हम बात करेंगे, उसके माता पिता, उसके शिक्षक से बात करेंगे, चिकित्सक से भी बात करेंगे। ढूंढते ढूंढते आ चुके हैं यहाँ पर, पता चला है कि यहीं पर वो डॉक्टर साहब भी मौजूद हैं और लड़की भी मौजूद है। तो पूछते हैं क्या यहाँ पर कोई ऐसी लड़की आई है जो जन्म से नहीं बोल पाती थी और अभी बोल रही है? कहाँ है? दरवाजा खोल के हम अंदर घुसते हैं तो यहाँ पर 4-5 लोग बैठे हुए थे और शायद डॉक्टर साहब वही हैं, क्योंकि उनके गले में आला लटक रहा है। तो यहाँ पर पहले हम पहुँच तो चुके हैं इस जगह पे, जहाँ पे हमें पता चला था कि एक ऐसी लड़की है जो बचपन से बोल और सुन नहीं पाती थी और उसका इलाज हुआ है। उसके परिजन भी आए हुए हैं, तो इनसे हम चलिए हम लोग बात करते हैं कि बात में कितनी सच्चाई है और यह इलाज है या कोई चमत्कार है, कोई दैविक चमत्कार है, इस बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। सबसे पहले मुझे 6-7 महीना पहले, मुझे जब मैं फॉरेन में था तो उसी टाइम केवाईपी, एक केवाईपी संस्थान है, उसके डायरेक्टर शंभू भाई हैं, वो उन्होंने हमें इन्फॉर्म किया था मैसेंजर के थ्रू, फेसबुक मैसेंजर के थ्रू, कि एक ऐसी लड़की है जो बोल नहीं सकती है और सुन नहीं सकती है। तो उनको मैंने उसी टाइम मैंने आश्वस्त किया था कि मैं इलाज कर दूंगा उसका पूरी तरह से। और आज के डेट में आप खुद, आपके सामने रिजल्ट है कि सिर्फ 3 दिन में वो सुन भी रही है, बोल भी रही है। एक चमत्कार नहीं है, ये एक मेडिकल साइंस है और मेडिकल साइंस में ये पॉसिबल है, इसका इलाज सक्सेसफुल है और साइंस इतना डेवलप कर चुका है तो अब सब कुछ अब पॉसिबल। एक न्यूरोमेडिसिन के थ्रू आता है ये, 10 साल 20 साल या जन्मजात, कभी ऐसा भी होता है कि जो कभी नहीं बोल पाया है उन लोग भी इसमें सक्सेसफुली इसमें रिजल्ट मिल जाता है। ये फुली एक मेडिकल साइंस के तहत है और इसमें सर्जरी की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर बताया कि मेडिकल साइंस है, मेडिकल साइंस है और एक एलोपैथी का पद्धति है, लेकिन कोई भी दवा जो भी है वो दवा तो कम से कम 15 दिन 8 दिन खाने वाने के बाद ही काम करता है। आपने ऐसा कौन सा काम किया, कौन सी दवा दे दी कि वो 3 दिन में ही बोलने लगी, जैसा आप दावा कर रहे हैं? अभी तो मैं उस दावे को मतलब सत्यापित भी करूंगा, लेकिन पहले मैं सोचूं कि आपसे बात कर लूं। तो आपने 3 दिन में कौन सा दवा खिला दिया आपने? मैंने कुछ दवा नहीं खिलाया, विदाउट मेडिसिन ही पहले तो मैंने किया और विदाउट मेडिसिन का ही मैंने सिर्फ उसके अंदर का जो नस का जो पॉइंट था उसको मैंने सिर्फ ट्रेस किया, उसके बाद से ही वो बातचीत करने लग गई, सुनने लग गई और बात करने लग गई। ऐसे कितने केसेज ऐसे होते हैं केसेज में जो है कि वो सिर्फ नस को पॉइंट के एक्टिवेट करने से ही ठीक हो जाता है? ज़्यादातर मामलों में दवाई देना पड़ता है कि आप एक्टिवेट करने से ही ठीक होता है, या फिर दोनों ज़रूरी है? दोनों चीज़ ज़रूरी है, दवा भी ज़रूरी होती है और पॉइंट भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कभी कभी आप देखते होंगे कि लगातार आदमी दवा खा रहा है फिर भी नहीं ठीक हो पाता है, या कभी कभी आदमी सिर्फ पॉइंट भी दबा रहा है कभी नहीं ठीक हो पाता है। दोनों चीज़ अपने 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 लेवल पर सही है। डॉक्टर साहब का दावा है कि 3 दिन में एक मूक बधिर लड़की बोलने लगी, सुनने लगी, लेकिन जब तक हमें विश्वास नहीं होगा, जब तक उनके माता जी से, उनके पिताजी से मैं बात नहीं कर लूँ, तो सबसे पहले उनके परिवार से मैं बात करता हूँ, उनके माता जी से बात करता हूँ, उनके पिताजी से बात करता हूँ। आपका नाम क्या हुआ? और मुन्ना शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? रतनपुर के रहने वाले हैं। रतनपुर के रहने वाले हैं जी। आपकी बेटी कितनी साल की है? 16 साल की। 16 साल की बेटी थी। क्या नाम है उसका?
राधिका कुमारी। तो उसके साथ क्या परेशानी क्या थी? परेशानी यही थी कि वो बचपन से सुन नहीं पा रही थी और बोल नहीं पा रही थी, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम थे। और पढ़ाई के लिए भी कोई दिक्कत नहीं था। अभी वो प्लस टू में पढ़ रही है और उसके बाद KYP भी कंप्यूटर से जो क्लास था वो भी की है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो न बोल पाती थी न सुन पाती थी। इलाज शुरू किया और 3 दिन हुए, मात्र 3 दिन हुए हुए और कम से, और अभी दोनों कान में अभी एक ही सुन रही है। गाड़ी की आवाज़ें आ रही है कान में उसकी, रोड पे चलने का कुछ आवाज़ आ रहा है, बगल में अगर आप ताली बजा रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं तो उसकी आवाज़ आ रही है। तो जब वो सुनना शुरू कर दी है तो आगे 6 महीना के अंदर में तो कुछ प्रोग्रेस तो होगा ही, उसको धीरे धीरे वो आगे बढ़ जाएगी, बोलना शुरू कर देगी। माँ सबसे ज्यादा नजदीक होती है, माँ को सबसे पहले पता चलता है कि हमारे बच्चे में क्या कमी है चाहे क्या है। तो आपको कब पता चला कि राधिका न बोल सकती है न सुन सकती है? जब 5 साल की हुई ना राधिका, तो पता चला कि जब कुछ बोल रहे थे कि राधिका इधर आओ, तो कुछ सुन नहीं रही थी, सुन नहीं रही। उसके बाद बहुत इलाज किए कराए लेकिन नहीं सुन पा रही थी। कहाँ कहाँ इलाज करवाए हैं? दिल्ली में करवाए, रांची में करवाए, एम्स अच्छा, दिल्ली एम्स में, में, अपोलो अपोलो में, गंगाराम, मीनाक्षी में। हाँ, और कितने सालों तक ऐसा इलाज कराते रहे हैं? इलाज कराते हुए हो गया मैंने 11 साल। जब मैंने राधिका 11 साल तक हुई, मतलब हाँ, तब इलाज छह किया, साल 6 साल तक आप लोग इलाज कराते रहे हैं, इलाज कराते रहे। हाँ, तब तो उम्मीद छोड़ दिए थे आप। उम्मीद छोड़ दिए थे। आपकी पोती बोलने लगी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। डॉक्टर साहब धन्यवाद देने हम आए हैं, वो भरोसा है कि भगवान। अब बोलने लगी है हाँ आप तो हाँ देख लिया, बोलने लगी है। हाँ विश्वास है। अभी तक हम लोग उनके दादा पिताजी माताजी से बातचीत कर लिए, हम लोग राधिका से भी मिलेंगे। लेकिन राधिका से मिलने से पहले जो राधिका के गॉड फादर हुए, जो एक जन्म देने वाले पिता हुए लेकिन उसकी जिंदगी बदलने वाले पिता, जो KYP कुशल युवा केंद्र के संचालक हैं, जहां राधिका पढ़ती थी पहली बार, वहां उसकी प्रतिभा का पता चला कि वो चित्र भी बनाती है, अच्छा कंप्यूटर भी जानती है, और उन्होंने वहां तक पहुंचाया कि वो बोल पाए राधिका, राधिका के लिए सोचा। तो जब तक हम, अगर शंभु शरण सत्यार्थी जिसकी बात नहीं की जाए तो ये बेईमानी होगी। तो चलते हम शंभु शरण सत्यार्थी जी से बातचीत करते हैं कि राधिका के बारे में बताएंगे। तो ये भी जान रहे हैं, दो दो 4 सालों से जान ही रहे होंगे, बोल पाती थी कि नहीं बोल पाती थी? हमें बड़ा ही अफसोस लगता था कि यह लड़की किसी तरह से अगर बोलने लगती तो बहुत अच्छा होता, हमारे एक छोटा भाई के जैसा। विदेश में डॉक्टरी पढ़ रहे हैं अताउल्लाह अहमद रिजवी साहब से मैंने फेसबुक मैसेंजर के माध्यम से बात किया कि एक ऐसी लड़की है जो मूक बधिर है, बोल नहीं पाती है, इसके बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो कि यह लड़की अगर किसी तरह बोल जाए तो बहुत ही अच्छा हो। उन्होंने वहाँ से हमें खबर किया कि जब मैं अपने घर आऊँगा तो उस लड़की को आप लेकर करके आएंगे और वह लड़की बोलने लगेगी। मैं इनके माता पिता से पहले बात किया, लेकिन सच मायने में अगर पूछा जाए तो मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा था कि यह लड़की बोलने लगेगी, इसलिए कि आज तक मैंने ऐसा कभी देखा नहीं और न कहीं पे सुना था कि जो बचपन से मूक बधिर हैं वे कुछ ऐसे ही इलाज करने से बोलने लगे। वास्तव में जब डॉक्टर साहब आए, मैंने इनके माता पिता को खबर किया, वे लोग यहाँ पे लेकर करके आए, मात्र 3 दिन के इलाज में पूरा कान से सुनने लगी और बोलने भी लगी। और जितने भी हम लोग थे, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे मित्र लोग भी देखे, सभी लोग ताजुब करने लगे कि वास्तव में बड़ा ही मतलब कि गजब है कि ये लड़की बोलने लगी। और मुझे काफी खुशी हुई कि मेरे यहाँ यह छात्रा इतनी इंटेलिजेंट है, बहुत ही अच्छा चित्र बनाती थी। और डॉक्टर साहब जो हमारे छोटे भाई की तरह है, उनके मेहनत से ये लड़की बोलने लगी। मैं अपनी ओर से एवं कुशल
कुशल युवा कार्यक्रम की ओर से मैं डॉक्टर साहब को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। हम लोग राधिका के पास आज अपनी माँ से सारे इशारे में बात कर रही है और अभी जो बात कर पा रही है, जो डॉक्टर साहब ने बताया था कि इसको बोलने तो आ गया है लेकिन वो भाषा भी नहीं सीखी, चूँकि कभी सुनी ही नहीं है शब्दों को, तो वो बोल कैसे पाएगी। और अपनी माँ से बात कर रही है, हालांकि दोनों बहुत खुश हैं और हम जाके हम बात करते हैं। यही राधिका है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, राधिका से हम लोग अभी बात करते हैं। हाँ राधिका, वो पहचान रही है तुम? Thanks. Thanks. Bye. Bye. Papa. Papa. Kaka. Hey. Chacha. Yes, hey. Dada. Yes, hey. राधिका को भी खोज संत के पूरे टीम की तरफ से, आप दर्शकों की तरफ से राधिका को बधाई, इसके सुखद भविष्य की मैं कामना करता हूँ। अगर आपको यह इसी तरह की नई जानकारी चाहिए और वीडियो पसंद आए तो कृपया चैनल अगर को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एंड शेयर करें। और अगर इस किसी भी तरह का कोई परेशानी हो, जैसा मैंने डॉक्टर साहब से कमिटमेंट हुआ है कि अगर किसी को शुगर का, साटिका का और गठिया का और कोई जन्मांध हो, जन्म से अगर किसी तरह का डिसेबिलिटी हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, वहाँ पे आप भेजिए, मैं आपको डॉक्टर साहब से आपको कम्युनिकेट करवाऊँगा और जो भी जानकारी हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, उसकी जानकारी लगातार मिलते रहेंगे। और देखते रहिए ठोक संत। धन्यवाद। अभय को।